मेरे को और एक इंटरेस्टिंग चीज मिली है, वो लगता है ये शिवलिंग है, क्योंकि ऐसा आपको डिजाइन जैसे दिख रहा है ना आपको, मेरे को तो लगता है ये ना बहुत पुराना शिवलिंग है। वो टाइम पे पूजा करते थे वो लोग पहले टाइम पे। और ये पत्थर देखो, ये स्टोन देखो, ये देखो इधर पानी कलेक्ट होने के लिए ये। और यहाँ पे हम लोग, मेरे फेवरेट गॉड हनुमान जी, इनका स्टैचू है। कितना ओल्ड रहेगा देखो आप, हनुमान जी का स्टैचू। और ये इधर भी, ये क्या चल रहे भाई तू? अरे महेंद्र मला माहिती कुठून रस्ता ऐकत नाही, गैंगस्टर ये कर रहा है क्या इधर? मेरा गाँव मेरी मर्जी, समझे? क्रिकेट खेलने को भी जाने का, चल 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 चल। पहली बार हम लोग के ग्राउंड में क्रिकेट खेले गए, सिक्स पहला बॉल सिक्स फिक्स है। अच्छा चल तो देख कैसा खेलेगा आज। चले लाइट से तो है ना, हम लोग आज राज के गांव में जा रहे। राज के गांव में अभी हम लोग पहुंच गया। मैं एसटी बिस्टी का ज़्यादा निकाला नहीं, बिकॉज गर्दी थी बस में, तो थोड़ा सा क्लिप निकाला एसटी का। अब इसके गांव में जाते हैं हम लोग, क्या स्पेशलिटी हम लोग के गांव में वो भी दिखाता हूँ। चलो फिर, ये क्या घेतला है? ये तो चिवड़ा लिया आई बाबा को उसके ये स्टोर से। तो अभी जाते भाई, जाने का ना। यहाँ पे एक अच्छी चीज है भाई, एक इधर अच्छी चीज है कि इधर रेंज है, और उसके गांव में भी रेंज चाहिए, मतलब जो आगे आगे गांव है उसका, उधर भी रेंज आनी चाहिए, अच्छा हो जाएगा। तो बाबा ने हम लोग को पार्टी दी, बाबा ने हमारा वड़ा पाव ची पार्टी दी थी। हाँ घेतो घेतो घेतो। A few moments later, फिर अभी हम लोग ना अभी इसके गांव में तो पहुंच गए, फ्रेश होके खाना खा के कपड़े चेंज करके मंदिर में जा रहे, क्योंकि इसको ना राज को इसके गांव में मंदिर में नारियल फोड़ना है। वो हम लोग इधर रिचुअल रहता है, मतलब हर साल कौन आता है तो नारियल फोड़ना पड़ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नारियल फोड़ने के लिए, चलो जाते हैं अभी। ये इसको मंदिर में जाने का रास्ता नहीं पता उसके गाँव का। अरे इकडनं हाय रस्ता, तुम्ही चला नाही तर चला तिकडनं, चला एकदा बोलता तिकडनं तिकडनं। क्या चाललंय भाई तू? अरे माझं गाव मला माहिती कुठून रस्ता ऐकत नाही, गँगस्टर ये कर रहा है क्या इधर? मेरा गाव मेरी मर्जी, समझे भाई? कितना अच्छा, देखो ना यहाँ पे ना मिर्ची का फार्म है, मिर्ची का फार्म है। मिर्ची भी दिखा ये भी उसका ब्लॉग बना रहे, ये देखो दिखेगा आपको। ये देखो बहुत सारे मिर्ची के, बहुत सारे मिर्ची है, ये मिर्ची का फार्म है पूरा यहाँ पे। वीडियो फिर खिला ना, स्ट्रॉबेरी भी है तो। अरे फार्म ना तो रहेगा ना तेरे गांव में फार्म भिड़ू, मिल गया तो ले लेते ना भिड़ू। स्ट्रॉबेरी तो खिला भाई अभी। अरे आमसे होता ना पहला स्ट्रॉबेरी तो होता नाही, आता आता मग खिला बोलतोय मी तुला। हा मग आता नाही शेती करत ना बाबा, कुठून तरी विचार ना बाबा। कोणाकडे कोणाचं तरी फार्म मध्ये असेल त्यांचं दाखवूया ना। ए बाबा चोरी नाही करते, अरे कुछ भी बोल रहे। ए भाई गाव में आके ये नहीं, दुसरे का फल नहीं खाया तो क्या फायदा बे, फायदा ही क्या गावाने का, तू ही बोल। गुड वाइब्स गुड वाइब्स। चलो अभी मंदिर, तो ये इन लोग के गांव का मंदिर है, ये इन लोग के गांव का मंदिर है भावड़े। और ये आप देख सकते हो ओल्ड, ये स्टैचूज है ओल्ड भगवान के, कितने पुराने आप भी देख सकते हो। ये साइड में भी है देखो, अब ये कोकोनट फोड़ रहा है, तो अब ये नारियल फोड़ रहा है। हाँ चालू है स्टार्ट। किरपत काढ ना त्यातली बारके बारके तुकडे काढ। अरे इथले बारके बारके तुकडे काढ मी करा ना बनवा, तसं सगळं बिघड आहे का बनव नाही मी वळ एक आले इकडची।
और ये देखो इधर भी ओल्ड स्टैचूज है भगवान के, स्टोन के स्टैचूज है भगवान के। आप सोच सकते हो कितने ओल्ड रहेंगे ये। ये देखो इधर भी भगवान का ओल्ड स्टोन स्टैचू है, ये भी बहुत पुराना लग रहा है मेरे को। ये साइड में भी है और वो साइड में भी आपको दिखाता हूँ। इससे आपको समझा रहेगा महाराष्ट्र कितना मिस्टीरियस है, मतलब कितने सालों से आपने इधर ये सब चलते आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग मेरे फेवरेट गॉड हनुमान जी, इनका स्टैचू है, कितना ओल्ड रहेगा देखो आप। हनुमान जी का स्टैचू और ये इधर भी, ये साइड में भी है। जय श्री राम। मेरे को सबसे अच्छा हनुमान जी का स्टैचू लगा मेरे को। इसको देख के आपको नहीं लगता कितना ओल्ड रहेगा ये, बहुत ज्यादा ओल्ड लग रहा है मेरे को ये स्टैचू। बट एक सीन है कि इसको पेंटिंग किया है, वो अभी लग रहा है पेंटिंग का है। बट जो स्टोन के अंदर ही वो स्टैचू है ना, वो ऐसा लगता है बहुत पुराना है मेरे को। अभी मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कितने साल पुराना रहेगा स्टैचू हनुमान जी का, पर इस हाँ वो भी, पर मैं बोल सकता हूँ बहुत पुराना है। मूर्तियाँ होती है ना, त्यांनी असं ठेवलं आहे वेगळ्या मूर्त्या काहीतरी म्हणजे ना, ती आई काहीतरी चंद काय म्हणजे चंद काही काहीतरी कसली मूर्ती येतात ते इथं ठेवले राहतात। आणि ते जन्नी जन्नी म्हणून जे मंदिर आहे ना, हा ते जन्नीचं हे मंदिर आहे, त्याच्यासमोर हे पूर्वीपासून चालत आले ते ठेवलेत मूर्त्या इकडे काय ते काय त्याच्या। म्हणजे हे किती वर्षापूर्वीचं असेल, 19 सेंचुरीच्या आधीचं का 19 19 शतकाचं आहे का? हा 19 शतकाच्या जवळजवळ हो की शंभर पेक्षा तर जास्त वाटतंय बघा। पूर्वी घडलेल्या मंदिराच्या और एक इंटरेस्टिंग चीज मिली है, आप देख सकते हो ये स्टोन है ना कितना पुराना है। और मेरे को लगता है ये शिवलिंग है, क्योंकि ऐसा आपको डिजाइन जैसे दिख रहा है ना आपको, मेरे को तो लगता है ये ना बहुत पुराना शिवलिंग है। वो टाइम पे पूजा करते थे वो लोग पहले टाइम पे। और ये पत्थर देखो, ये स्टोन देखो, ये देखो इधर पानी कलेक्ट होने के लिए ये, और ये वाला स्टोन देखो। मेरे को ना ये शिवलिंग लग रहा है भाई, मतलब आप देख सकते हो अपना इंडिया कितना एंशंट है। ये बहुत पुराने टाइम का, और ये हिडन गांव है, मतलब ये ना बहुत अंदर के गांव है। इसके अंदर मतलब क्या क्या रह सकता आप सोच भी नहीं सकते। ये बड़े बड़े माउंटेन्स है, इसके अंदर सोचो कितने सारे मूर्तिज रहेंगे ओल्ड पुराने, मतलब पहले के जमाने के लोग रहते थे ना, वो क्या क्या मतलब करते रहेंगे यहाँ पे, क्या क्या बनाते रहेंगे, आप ही सोच सकते हो यहाँ पे क्या क्या रहेगा। तो हेलो गाइस, अभी हम पानी ले रहे हैं। चुप भाई। तो भाई अभी हम लोग है ना इससे पानी निकालने वाले, पता नहीं इसमें पानी है कि नहीं, तो ट्राई करते अपन और पानी निकालते। एक चीज बताऊ, अनलिमिटेड वाटर है इसमें। चलो चलो थोड़ा आ गया। आया क्या? Then we spotted a horses and donkeys. They are so beautiful by the way. It's a little horse. You can see that. बहुत अच्छा भाई, मारने को नहीं आएंगे ना, पर ये छोटे हैं अभी तक, इनको बड़ा करेंगे। और ये हॉर्स है। अच्छा हॉर्स है क्या? पता नहीं था, मालूम नहीं था ना। अरे माँ कसम, तो बताया हॉर्स है क्या ये? तो क्या आगे भी है क्या? चलो जाते देखते ना। मेरे भाई का गाँव है, मतलब मेरा मौसी का लड़का ना उसका गाँव है, और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। और मैं आया हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया क्या क्या मिला मेरे को, क्या क्या दिखा। बहुत सही गाँव है, नेचर विचर सब अच्छा है, शांत गाँव है सबसे मेन मतलब बोलने जाओ तो। और यहाँ पे ना ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू है, मेरे को आपको दिखाता हूँ, कुछ नहीं दिखता रहेगा। दाखो कि पूरा वर्ती गेला दाखो घर समोर। ये देखो ब्रिज का काम चालू है,
ब्रिज बन रहा है, ब्रिज लवकर चल खेला जाएगा। हाँ क्रिकेट खेलने को भी जाने का, चल 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 चल। पहली बार हम लोग के ग्राउंड में क्रिकेट खेले गए, सिक्स पहला बॉल सिक्स फिक्स है। अच्छा चल तो देख कैसा खेलेगा आज। आम बनाया तो अभी हम लोग जैक फ्रूट खा रहे, मराठी में फनस बोलते हैं इसको। यार आंबे पण कुठे आले नाही जास्त, बिल्ली के साथ प्रैंक करने वाले हम लोग, सॉरी फॉर एनिमल हैरेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आराम शेर, आता हे बंद कर, हे बंद कर, वरतून बंद कर, कर बंद एनिमल हैरेसमेंट का उसके यूट्यूब चैनल पे जाके ये कर दो फटाफट से, फटाफट से करो। ये बंदा बहुत नहीं, नहीं, कमीना है। अच्छी बिल्ली यार, मतलब भागी भी नहीं। फिर मैं कल रात को ये आउट्रो बना नहीं पाया, कॉज हम लोग कल घर पे आ गए और सो गए, तो मेरी कल की वही वीडियो थी। तो आज सुबह, अभी सुबह के 6:30 बजे अभी आज का भी व्लॉग बनाना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा मेरे को। तो कल का व्लॉग का ये आउट्रो है ये आज का। तो आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी मेरी, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे कुछ तो डेली व्लॉग टाइप। चलो बाय बाय।